शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशीट हिंदी। हिंदी की आज वर्कशीट करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। खाली स्थान पर सर्वनाम शब्द भरो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम होता क्या है। जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, बाजार जाऊँगा, यहाँ पर दो सर्वनाम शब्द दिए हैं, हम और मैं। तो क्या आएगा, हम बाजार जाऊँगा या मैं बाजार जाऊँगा, तो इसमें क्या आएगा, मैं। एक पेन खरीदा, मुझे एक पेन खरीदा, तो क्या आएगा, उसने। एक पुस्तक दो, मुझे एक पुस्तक दो, उसके एक पुस्तक दो, तो क्या आएगा, मुझे एक पुस्तक दो। फुटबॉल खेला, मेरा फुटबॉल खेला, उसने फुटबॉल खेला, तो क्या होगा, उसने फुटबॉल खेला। तो जो सर्वनाम शब्द है वो है उसने। बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, मेरा बाजार जाएगा, तो क्या होगा, वह बाजार जाएगा। जो अगला हमने टॉपिक लिया है वो है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ। तो देखिए, समझदार क्या बन गया, समझदार। खबरदार तो क्या बन जाएगा, खबर दार। दागदार तो क्या बनेगा, दागदार। पहरेदार क्या बन जाएगा, पहरेदार। शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। हमने चार शब्द दिए जिनमें से एक शुद्ध है और बाकी तीन गलत है, तो इनको पढ़ते हैं। अध्ययन 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 अध्ययन, तो जो सही शब्द है वो क्या होगा हमारा, अध्ययन। मंत्री 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 और मंत्री, तो सही क्या होगा, मंत्री। उसके बाद में चिड़िया, तो इसमें दोनों बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी बड़ी, यहाँ पे छोटी बड़ी और छोटी, तो जिसमें चिड़िया, चिड़िया में दोनों मात्राएं क्या होती है, छोटी ई की, तो ये है वो हमारा चिड़िया। प्रार्थना 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 प्रार्थना, तो सही शब्द क्या है, प्रार्थना। प्रश्न नंबर चार, इनके लिए एक शब्द लिखो। जो ये दिए हुए हैं इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है, ईमानदारी से काम करने वाला। तो ईमानदारी से काम करने वाले को क्या कहते हैं, ईमानदार। बहुत अधिक बोलने वाला, जो बहुत ही ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं, हम वाचाल। वाचाल। कम बोलने वाला, अब देखिए, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं और कम बोलने वाले को हम क्या कहेंगे, मितभाषी। साथ पढ़ने वाला, जो हमारे साथ पढ़ता है, क्लासमेट, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, सहपाठी। साथ काम करने वाला, जो साथ में काम करता है उसको क्या कहते हैं, सहकर्मी। सहकर्मी। अब आगे ली से खत्म होने वाले शब्द बनाओ। तो ली, ली से हमें शब्द बनाने हैं, कौन से, जिसके आखिर में ली हो, जैसे मछली, और दूसरा हम बनाते हैं जंगली। ये दो शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ली से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट है उसका इंतजार रहेगा कि अगले ली से कौन से दो शब्द और बन सकते हैं। निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखो।
जो नीचे दिए हुए इनके में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची क्या होते हैं, जो जैसे आंख है, आंखों को हम क्या कह सकते हैं, आंख के जो विभिन्न नाम होते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आंख, आंख को हम क्या लिख सकते हैं, नैन और नेत्र, हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो नैन नेत्र। पेड़, पेड़ को हम क्या कह सकते हैं, वृक्ष और ध्रुव। आकाश, आकाश के दो नाम और क्या होंगे, नभ और अंबर। माता, माता का क्या होगा, मां, जननी। भगवान, भगवान प्रभु, विधाता, ईश्वर, ये सारे के सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द। तो आज इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।